जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हर पंडाल, हर सोसाइटी और हर घर में हुई श्री कृष्ण जी की स्थापना। बता दें, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर श्री साहेबराव पाटिल, कोमल सिंह राजपूत, रविंद्र सिंह गिरासे इनके घर और सोसाइटी पंडाल में हुई श्री गणेश जी की स्थापना। जगत न्यूज 24 से बात कर बताया कि किस तरह से स्थापना पूजा अर्चना होती है और लोकमान्य तिलक ने गणपति स्थापना की शुरुआत की थी ताकि सभी में एकता और आस्था बनी रहे। साथ में यह भी कहा कि सभी जन गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पधारें। जगत न्यूज 24 गुजरात पापी से कोमल सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। बप्पा मोरिया, अब हम आपको दिखाते हैं सोसाइटी के गणपति और आज हम लीला अवेन्यू के सोसाइटी में हैं और आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के गणपति बप्पा की स्थापना हो गई है लीला अवेन्यू में। और जानते हैं पंडित जी से गणपति की स्थापना करने के बाद और आप जो लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हैं गणपति के। हमारी सोसाइटी के अंदर 5 साल से भगवान गणपति को हम प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से लाते हैं और हमारा गणपति हम सबका गणपति हमारे घर पर आते हैं और हमको अच्छा आशीर्वाद दे के जाते हैं और हमारा सबका मनोकामना इच्छा पूर्ण करते हैं गणपति। तो हम भगवान गणपति से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के सभी भाई बहन सब सुख संपत्ति और समृद्धि के अंदर आगे बढ़े और बीमारी से दूर रहे और भगवान सबका आरोग्य अच्छा रखे। बस यही हम भगवान गणपति आशीर्वाद मांगते हैं कि सबका आरोग्य अच्छा रहे, घर के अंदर सुख शांति आए। तो ये थे पंडित जी हमारे साथ और उन्होंने सभी लोगों से गुजारिश की कि हर घर घर में गणपति की स्थापना हो। अब हम सोसाइटी के सेक्रेटरी से पूछना चाहते हैं। हमारे साथ में आशीष भाई, सोसाइटी के एक में और सेक्रेटरी। सर, आप बनाना साल से कर रहे हैं और ये कितना साल है? हमारा ये 4th साल है गणपति स्थापना का लीला एवेन्यू में और हम हर साल अच्छे से मना रहे हैं, स्थापना करते हैं गणपति जी और सब लोग अच्छे से सहकार दे रहे हैं से और उत्साह से ये महोत्सव मना सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हम गणपति जी की 2 मंगल मूर्ति लाते हैं और 1 बड़ी मूर्ति लाते हैं और भगवान के आशीर्वाद रहेगी तो हम अगले साल उससे भी बड़ी मूर्ति लाएंगे। जय गणपति जी। धन्यवाद जगत जी तर्जी से बात करने के लिए और आपको दिखा दूं सोसाइटी के गणपति बप्पा और गणपति बप्पा जी का जो डेकोरेशन किया गया है दिनेश भाई द्वारा। आप देख सकते हैं कि किस तरह का डेकोरेशन है और किस तरह से गणपति की मूर्ति की। धन्यवाद जगत गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया। जगत न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं कोमल सिंह राजपूत और आज आप सभी को जगत न्यूज 24 की ओर से गणेश उत्सव की और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणपति स्थापना आज हम आए हैं श्री साहेबराव पाटिल जी के घर पर और जानते हैं उनसे गणपति स्थापना के बारे में और गणपति पूजा के बारे में। तो साहेबराव जी बताइए गणपति स्थापना और गणपति पूजा के बारे में। हम यहाँ पे 4 साल से ये 4th साल है हमारा गणपति स्थापना का। हम पूरे भक्ति के साथ आराधना करते हैं कि पापा को बुलाते हैं, 5 दिन बिठाते हैं, उनका भक्ति भाव से हम उनके पूरा जोश जलोश से उनका 5वें दिन विसर्जन करते हैं। अच्छा, ये कितना साल है आपका? ये 4th साल है। 4th साल है और कितना साल आप गणपति बिठाने की इच्छा आपकी? वैसे तो हमारा ये अभी 5 साल तो मतलब माना है लेकिन बापा उसके आगे तो हमने कुछ सोचा नहीं कि बापा जब तक बापा की कृपा रही तो और भी आगे बिठाएंगे। तो आज के दिन, आज के शुभ प्रसंग पे और गणेश चतुर्थी के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या गणपति बापा को क्या कहना चाहते? मैं ये तो यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग ये जो गणपति उत्सव है हमारा, ये लोकमान्य तिलक ने जो हमको याद किया था, शुरुआत की थी, हमको एकता मतलब सभी की एकता बनी रहे, बनी रहे और सबकी आस्था बनी रहे, इसके लिए गणपति स्थापना की जाती है। इसके लिए हम मैं वही बोलता हूँ सबको कि सब लोग आए भक्तिभाव से, सब एकजुट हुए और बापा का दर्शन के लिए आए और विसर्जन की। धन्यवाद जगत जी 24 से बात करने के लिए। गणपति बापा की कृपा आपका समय को बनी रहे, आपका परिवार आप सभी जन सुखी और आनंदी रहे। गणपति बप्पा धन्यवाद। तो ये थे साहेबराव पाटिल जी आप सभी का और जगत जी 24 से कोमल सिंह राजपूत। धन्यवाद।